वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना देखेंगे, सीखेंगे। तो हम देख रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिए हुए हैं और उसमें दो अज्ञात राशियां एक्स और वाई हैं, दो चर हैं। विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड, अंग्रेजी में अपन कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन, जो समीकरण हमें दिए हैं, हम सबसे पहले तो उनको नंबर वन नंबर टू नाम दे दें। 3y = 28, ये इक्वेशन वन हो गया। फिर जो सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = 3, इक्वेशन सेकंड। अब बात आती है कि एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि में जो मुख्य काम है वो क्या है। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, दो समीकरण हैं, तो इस विधि का जो सबसे मुख्य काम होता है वो ये होता है कि हम या तो x के गुणांकों को बराबर कर लें, जैसे आप देख रहे हैं कि x के सामने 2 है, x के सामने 3 है, तो उनके जो कोफिशियंट हैं, गुणांक हैं, वो इक्वल हो जाए, या फिर y के गुणांकों को हम इक्वल करें। ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लें कि आप x का गुणांक इक्वल कर रहे हैं तो स्थिति क्या होगी। अब उसके लिए जो विलोपन विधि है उसमें बहुत दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इक्वेशन वन में ये एरो देख रहे हैं, ये बिल्कुल 3 के करीब से मैंने एरो ऊपर की तरफ दिखाया है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हम इक्वेशन वन में कर दें, और समझने के लिए हम यहाँ 3 लिख दें। फिर ये एक और एरो दिखा रहे हैं, एरो के माध्यम से थोड़ी सी बात को सरल कर रहे हैं। तो एरो से ये क्लियर हो रहा है कि इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसा करने पर एक नए इक्वेशन हमारे पास आएंगे, जैसे ये होगा 6x - 9y - 28 से भी कर देंगे तो इसका देख लें कितना हो जाएगा। ये हमें, तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इक्वेशन की हर टर्म के साथ करना है, प्रत्येक पद के साथ करना है। हमने इसके साथ भी किया, 3y के साथ भी किया 28। ये मिस्टेक ना हो जाए कि हमने जल्दी में किसी एक के साथ कर दिया और बाकी को वैसे ही, वैसा नहीं होना चाहिए। जनरली वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी। फिर 2 का हम कर दें मल्टीप्लिकेशन, तो ये फिर 6x - 4y = 6, ये इक्वेशन हमें मिल गए। तो ये फर्स्ट वर्क है, पहला काम है विलोपन विधि का जो हमें करना ही होगा, गुणांकों को बराबर करना। सेकंड वर्क, बहुत दिक्कत होती है कुछ लोगों को, कभी कभी उनके मन में लगता है कि टीचर ने हमें बताया कि चिन्ह बदल दो, फिर कभी लगता है उनको कि चिन्ह नहीं बदल रहे हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है, तो उसे करना कुछ नहीं है, उसे सावधानी से ये देखना है कि आपने जिसको बराबर किया है, ये 6x ये हो गए, तो आप यहां देखें कि इनके चिन्ह कैसे हैं। यदि चिन्ह समान है, प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब चिन्ह समान है। कभी कभी ये भी हो सकता है, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लें कि -3x है, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि चिन्ह समान है। तो जब चिन्ह समान होते हैं उसी समय घटाने का काम किया जाता है, जिसको कहा जाता है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया, तो उस कंडीशन में हम चिन्ह बदलते हैं। ये बड़ी मुख्य बात है, ये चिन्ह बदला, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस। कभी कभी लड़के क्या करते हैं, उनके मन में आता है कि प्लस माइनस माइनस, एक छोटी सी मिस्टेक होना, ऊपर वाले इक्वेशन का चिन्ह नहीं देखना है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दूसरा वर्क। अब देख रहे हैं कि आसान हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, +9y + 4y, आपको मन में बोलना है, चिन्ह भी बोलना है। यदि आप चिन्ह बोलेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। फिर यहां भी चिन्ह बोलना है, 84 - 6,
तो कितना हो जा रहा है 78, माइनस कर दिया घटा दिया, y इज इक्वल टू 78 अपॉन 13, 13 6 आ गया y की वैल्यू, y का मान हमारे पास आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं और हल कर सकते हैं। देखें इक्वेशन सेकंड में अपन ने रख दिया, इक्वेशन सेकंड क्या था 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसमें y की वैल्यू रख दें, ये आसान काम होता है, 2 into 6 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 15, 15 एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, 15 बटे 3 तो ये 5 बार कट गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमने देखा कि जो समीकरण था उसका हल हो गया x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7। तो कहने का तात्पर्य विलोपन विधि में दो या तीन मुख्य सावधानियां रखते हुए, जैसे पहले सावधानी की गुणांकों को हमें बराबर करना है, ये बिल्कुल क्लियर है, x वालों को करो या y वालों को। दूसरी सावधानी मतलब जैसे हमने कहा बताया कि यदि जिनको बराबर किया है उनके सामने के चिन्ह यदि समान है तो चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदल लिया फिर उसके अनुसार आगे अपन ने वर्क किया, बदला हुआ चिन्ह आपको अपने मन में बोलना है, ये भी एक सावधानी रखनी है जिससे कि आगे कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विलोपन विधि है, जिसमें हमने प्रयास किया कि थोड़ा और सरल करें, जैसे ये छोटी बातें हमने बताई, क्या सावधानी रखनी चाहिए, चिन्ह जो बदला हुआ है वो बोलना चाहिए, तो लड़के से गलती नहीं होगी, क्योंकि ये जो सिलेबस में है वो 9th-10th के लेवल के सिलेबस में है, बच्चे छोटे होते हैं और उस स्तर पे कई बार वो मिस्टेक करते हैं, तो हमारे इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि वो जो छोटी बातें हैं वो भी आ जाए, एक मेथड सामने आ जाए, तो आपको ये विलोपन विधि से इक्वेशन को हल करना, ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो हमें इसको बताएं।